सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परीक्षण करवा विधवा विवाह उपहार योजना के तहत उपहार राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में पेंशनधारी एकल व विधवा महिलाओं की संख्या लगभग 22 लाख है। विधवा महिला उपहार योजना के तहत वर्ष 2019-20 से अब तक केवल 60 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। गलत जानकारी पर अफसर होंगे निलंबित। राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि विधानसभा क्षेत्र पर्वतसर में वर्ष 2024-25 में भी एक भी आंदोलन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में किसी को भी लाभान्वित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा इस संबंध में गलत जानकारी दी गई है तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। विधवा विवाह उपहार योजना वर्ष 2007 में हुई थी शुरू। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-08 में प्रारंभिक विधवा विवाह उपहार योजना के तहत 15,000 रुपए उपहार राशि का प्रावधान था। वर्ष 2016 में राशि में वृद्धि कर 30,000 रुपए और वर्ष 2019 में बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया। विधायक रामनिवास गावड़िया के प्रश्न का दिया उत्तर। इससे पहले विधायक रामनिवास गावड़िया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र पर्वतसर में जनवरी 2019 से नवंबर 2023 तक दो आवेदकों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने लाभान्वितों की सूची सदन के पटल पर रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विधवा विवाह उपहार योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें वर्ष 2007-08 में योजना प्रारंभ हुई, उसमें पहले प्रावधान 15,000 रुपए का था, फिर इसकी राशि में वृद्धि की गई 2016 में, उसका 15 से बढ़ाकर 30,000 किया गया और फिर 2019 में इसको बढ़ाकर राशि 51,000 कर दी गई। पूरे राजस्थान में जो पेंशनर विधवा महिलाएं हैं उनकी संख्या जो है लगभग 22 लाख के करीब है आज की तारीख में, लेकिन वर्ष 2019-20 से लेकर 2024-25 तक पूरे राजस्थान में इस योजना के माध्यम से मात्र 60 विधवा महिलाओं को इस विधवा उपहार योजना से लाभान्वित किया गया। और आपके इस पर्वतसर की अगर मैं बात करूं तो पर्वतसर विधानसभा के अंदर 2024-25 में एक भी आवेदन हमारे पास में नहीं आया, इसलिए आवेदन नहीं आने के कारण इस योजना से किसी को लाभान्वित नहीं किया जा सका। अगला, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि पर्वतसर से 3 आवेदन आए हैं जबकि इनके अधिकारी इनको गुमराह करते हैं, मंत्री जी तैयारी करके आते नहीं है। मेरे पास उसके प्रस्ताव पड़े, माननीय मंत्री जी कह रहे एक भी प्रस्ताव नहीं आया जबकि वहां से 3 प्रस्ताव आए हैं और इनके अधिकारी इनको जवाब नहीं देते। दूसरा मेरा जो सवाल था उसकी राशि 51,000 से 5 लाख बढ़ाने तक आप मंशा रखते हो या नहीं रखते, ये सदन को बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा उत्तर मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास आवेदन नहीं है, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया, अगर किसी अधिकारी ने हमें इस योजना की जानकारी के अभाव में गलत दिया, उसको इसी सप्ताह के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा और आगे से कोई अधिकारी गलत उत्तर नहीं दे, इस प्रकार के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये जो आपने राशि बढ़ाने की घोषणा करी है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि समय पर वित्तीय उपलब्धता के आधार पर और आगे परीक्षण करके निश्चित हम चाहेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से जो हम लोगों ने इसमें राशि बढ़ाई है, आगे भी अगर संभव होगा तो इसमें राशि बढ़ाकर उन विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल देने का काम करेंगे। क्योंकि पहले भी राजा राममोहन राय जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, दयानंद सरस्वती जी ने यह प्रयास किया था कि विधवाओं के सम्मान में पुनर्विवाह की जो व्यवस्था है वो लागू हो। 18 से 50 साल की उम्र में जो बहनें, जो मातृशक्ति विधवा हो जाती है, उनको उनको